नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं पंजाब के लुधियाना में। आइए जानते हैं किस प्रकार से अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, किस प्रकार के दाम होते हैं, एक जो बफेलो का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार की ब्रीड लेनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और क्या दाम होता है। आज एक बार फिर हम आए हैं लुधियाना ओबराय डेयरी फार्म पर। तो आइए दिखाते हैं क्या बफेलो के दाम होते हैं, क्या मिल्क का प्रोडक्शन होता है। आज हमारे साथ ओबराय डेयरी फार्म के ऑनर हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। हाँ सर, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। सर जी, अपना मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी, और ज्यादातर लोग कालू नक के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, ठीक है जी। और हमारा जो डेयरी फार्म है वो लुधियाना में ताजपुर रोड पे। हाँ सर, ये बताएं कि कितना पुराना आपका ये बिजनेस, ये काम है, कितना समय हो गया आपको? देखो, आपको बताया हुआ है वो हमारा 60 साल लगभग हो गए। अच्छा। हाँ, मेरे दादाजी से 30 की पीढ़ी है हमारी, मतलब पुश्तैनी काम चलता आ रहा है। पुश्तैनी काम चलता जी। सर आप कब से इन्वॉल्व हुए इसमें? मेरे को हो गए लगभग आप 20 साल। 20 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके एरिया में, आपका जो पंजाब जो जंगल है, यहाँ पर किस प्रकार की ब्रीड और कितना प्रोडक्शन वाली जो है बफेलो और काऊ मिल सकती है? देखो, मैं आज आपको अपने बफेलो दिखाता हूँ जो हमारे इधर एमपी में जा रही है, मध्य प्रदेश में जी, अरविंद भाई के पास। हाँ हाँ। तो पहली बार आपके माध्यम से वो मेरे पास आए थे जी, बिल्कुल, और आप खुद भी साथ में आए थे। हाँ हाँ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे एक बहुत ही अच्छे फार्मर हैं अरविंद जी सोलंकी, जो इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने पहली बार जब मैं वीडियो कवर करने के लिए आया था तो मेरे साथ यहां पर आए थे, और उन्होंने बफेलो और काऊ परचेस तीन साल पहले परचेस की थी, और लगभग उसके बाद में 5-6 गाड़ियां उनके पास जा चुकी है कंटिन्यू 3 साल से, वो आते भी नहीं है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, पिछले वीडियो में वो आए भी थे और 10 बफेलो लेकर गए थे, और इस बार वापिस उन्होंने ऑनलाइन यहाँ से इन्हीं के सिलेक्शन से, जो इन्हीं के मार्गदर्शन से बफेलो सिलेक्शन की है 10 बफेलो, जिसमें से कुछ 5 बफेलो आपको हम दिखाएंगे जो बढ़िया क्वालिटी और एक नंबर जो है उसका आर्डर की क्वालिटी और दूध का प्रोडक्शन अच्छा करती है। तो उन्होंने जब यहाँ से परचेस की तो लगभग दूसरी बार उनकी जो बफेलो है वो बच्चा दे चुकी हैं, और दूसरे टाइम में उन्होंने बच्चा देने के बाद में मिल्क प्रोडक्शन 12-13 लीटर टाइम का भी किया है, 8 लीटर से लगाकर 12-13 लीटर तक जो बफेलो उन्होंने परचेस की है। तो आपको वीडियो के माध्यम से आज दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार की बफेलो है और किस प्रकार के दाम होते हैं। दोस्तों YouTube पे काफी वीडियो आते हैं, काफी लोग सेल परचेस का बिजनेस भी लुधियाना में करते हैं, पूरे पंजाब हरियाणा में करते हैं। तो आप किस प्रकार से एक ट्रस्ट के साथ यहाँ से खरीद सकते हैं और क्यों यहाँ से खरीदें, उसके रीजन आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि आपका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, दाम कैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब और फेसबुक के जरिए काफी लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, ऑनलाइन खरीदते हैं, जो बफेलो का रेट बताया जाता है उससे कहीं ऊपर होता है, कभी 3 थनों से दूध आता है, कभी जैसे बोलते हैं कि ड्राई पशु जो बाकड़ी भैंस होती है वो भी दे देते हैं। तो आज हमारे साथ ओबराय डेयरी फार्म के ओनर कालू जी हैं, तो आइए इनके द्वारा जानते हैं कि कैसा पशु ये दिखाते हैं, क्या दाम होता है, वीडियो में बने रहे। सर आप बताइए कितने पशु आज दिखाने वाले हैं? सर जी, हम इस बार अभी आपको हमारे पास अभी खड़े हैं 7, ऐसे तो 10-12 भैंसे खड़ी हैं जी, पर जो हमारी 7-8 भैंसे दिखते जा रही है एमपी में, एमपी अरविंद जी को जा रही है जी, वो भैंसे आपको मैं दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों, दिखाते हैं जो एक नंबर पहले नंबर की बफेलो है उसको दिखाते हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको किस प्रकार की क्वालिटी ओबराय डेयरी फार्म पर मिलती है। आप बफेलो वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसकी जो क्वालिटी है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार, एकदम चारपाई की तरह अडर की क्वालिटी है। थनों की जो बनावट है वो कितनी शानदार है, बहुत शानदार। बताएं सर कौन से लैक्टेशन में बच्चा दिया है इसने? सर जी, ये तीसरे लैक्टेशन में, थर्ड लैक्टेशन में। थर्ड लैक्टेशन में बच्चा दिया है? हाँ जी, हाँ जी, बोल के दिया जी थर्ड लैक्टेशन में। अच्छा, क्या दिया है सर इसने, मेल काफ है फीमेल काफ है? इसके पीछे पर जी अपना मेल काफ है, पाड़ा है। अच्छा, हाँ जी सर, बताएं इस बार ये जो है कितना प्रोडक्शन करने वाली है? प्रोडक्शन पर जी अभी आप इधर ही हो। हाँ हाँ, आपने रात को भी देखा, दिन में भी देखा जी, अभी फिर दोपहर हो गई है जी। तो ये बताएं कि कितना प्रोडक्शन करेगी ये? प्रोडक्शन पर जी आप मानोगे नहीं, आप बच्चे को देखो। हाँ हाँ, बच्चे पे गौर करो जी, आज 5वां दिन है, 5 दिन का बच्चा है। हाँ जी, जैने को 2 दिन का बोल दो पर 5 दिन का बच्चा है। हाँ हाँ, अभी इसके नीचे 18 से 19 लीटर दूध होगा। अच्छा, पर डे का? अभी क्या बात, 9 लीटर मक्खी जैसे बच्चा दिया, बस आप समझ लो। दोस्तों थनों की बनावट बिल्कुल आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और लगभग 20 लीटर दूध रेडी है। सर हाइएस्ट कितना करेगी ये? हाइएस्ट पाजी जिस हिसाब से चल रही है, मेरे हिसाब से पाजी
13 लीटर टाइम का दूध देना चाहिए कि 25 से 26 लीटर, क्योंकि आप देखो ना जंप बहुत जल्दी, 24 लीटर तो हम पक्का माने, हाँ जी, क्योंकि 12 किलो तो इसने खीस में चालू किया, 20 लीटर अगर अभी दे रही है तो 4 लीटर 2 लीटर टाइम का तो आराम से, अभी 4 दिन में क्या दूध बनना है, और आज 5वां दिन है। अच्छा सर, अगर इसके दाम की बात की जाए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, फाइनली इसका जो रेट है वो क्या रहने वाला है? फाइनल रेट पर ही ऐसा है कि ये हमने बल्क ऑर्डर दिया, हमने 7 भैंस का, हाँ जी हाँ जी, 7 भैंस हमने उनको दी है 10 लाख में, 7 भैंस 10 लाख की, एवरेज क्या आ गया है सर? एवरेज आप लगा लो 1,45,000, 1,45,000, बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, दिखाते हैं जो दूसरे नंबर की बफेलो है, काफी शानदार साफ सुथरी, आप देख पा रहे हैं जो थनों की बनावट है। सर ये कौन से टाइम में बच्चा दिया है इसने? ये सेकंड लैक्टेशन में है, सेकंड टाइम बच्चा दिया है। इससे पहले मैंने भैंस दिखाई थी, उसका भी देखो पतली चमड़ी और बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, बहुत यही हाइट है, इसकी भी वही लेंथ में है दोस्तों, आपको चारों आंचल में अभी गैप, मिल्किंग हो चुकी है, मिल्किंग के बाद की ये वीडियो लगभग हम बना रहे हैं, और देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार साफ सुथरी बफेलो है, और 15 दिन हो गए इसको बच्चा दिए, 15 दिन हो गए, हाँ जी 15 दिन हो गए, 18 लीटर 800 ग्राम इसके नीचे दूध है कांटे वाला, 18 लीटर 800 ग्राम, बहुत शानदार प्योर मुर्रा में जो क्वालिटी आप देख रहे हैं, गर्दन की लंबाई देखो, सिंग पतले हैं, पीछे से पतली है, देखो चमड़ी कितनी, इसकी स्किन कितनी अच्छी है, बहुत शानदार। जो पुट्ठों में गैप होना चाहिए, सबसे बड़ी जो बात होती है जब पशुधन लेते हैं, ये चीज हमेशा, हाँ जी आप ये चीजें देखो, पहली भैंस में देखिए हमारी, ज्यादातर आप भैंस में देखोगे, हाँ जो देसी भैंस होती है, हाँ हाँ, उसका ये पुट्ठा चौड़ा नहीं होता, जी जी ये चीज चौड़ी है, ये होना ही चाहिए, ये गाय में भी होना चाहिए, भैंस में भी होना, भी होना चाहिए, जब भी गाय या भैंस बच्चा देती है जी, तो उसकी जो डिलीवरी नस्ल की पहचान, हाँ वो डिलीवरी भी और नॉर्मल हो जाती है, तो बच्चा कभी बड़ी आसानी से जहर गिर जाता हो, जितना मर्जी बच्चा इसका जाए 55 किलो का 50 किलो का भी बच्चा हो तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं आती, तो आराम से डिलीवरी हो जाती है। सर अभी कितना दूध रेडी है बात की जाए दूध की? 18 लीटर 800 ग्राम, 18 लीटर 800 ग्राम, बहुत बढ़िया दोस्तों, 15 दिन हो गए, सेकंड टाइमर 15 दिन, इसको आज 16वां दिन चालू है दूध। अच्छा 15 से 16 दिन हुए हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत साफ सुथरी, पूंछ पतली है, पूंछ मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली, आप सभी भैंस की देखोगे हमारे ऐसी मिलेगी आप, बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर इसकी फाइनल दाम की बात की जाए हमारे किसान भाई, ये भी वही रेट में गई है, ये भी क्या बात है, उनकी रेट में ही है, और ऐसा नहीं है दूध रेडी प्लस की बफेलो आपके पास 1.40-1.45 में, हम मार्केट में देखते हैं कि हरियाणा पंजाब में तो 2-2 लाख के लोग सेल करते हैं, क्या कारण है कि आप ऐसा नहीं होता पाजी, वो कई नाम बनाने के लिए भी होता है लोग, हाँ कि अपना, अभी इससे पहले मैंने भैंस दिखाई है जैसे 24 लीटर दूध है, हाँ हाँ ठीक है ना, वहाँ पे वो भैंस आपको 3 लाख की भी नहीं देंगे जी, ठीक है ना, ऐसा नहीं, कस्टमर को बनाना पड़ता है, लंबा काम करना है, तो उसको अच्छी सिलेक्शन करके दो, किसान के पास घूम के भैंस लेके दो। मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर आपसे, पाड़ी ले दो कि, हमें ये बताएं कि एक हरियाणा पंजाब की जो बफेलो होती है उसको सिलेक्शन आप किस आधार पर करते हैं, और क्या उसके बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हमारे किसान भाई को पता चले, वो कहीं से भी खरीदें तो उन्हें पता चले कि प्योर माल क्या होता है, उसकी क्या एक विशेषता होती है, हमें बताएं। मैं दिखाता हूँ, पाड़ी देखिए, हाँ जी सर, हाँ सर जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छी बात है, अब ये आप भैंस देख रहे हो, पाड़ी देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जी, ये गाभिन है अभी, ठीक है ना जी, तो सबसे पहले तो आप कलर देखो, बहुत बढ़िया, हाँ जी ठीक है जी, सबसे पहले आप कलर देखो सर, इसकी थनों की जो बनावट है बिल्कुल पेंसिल की तरह, और बराबर रहे, अभी तो सर जी इसको टाइम है, अभी इसको आप लगा के चलो 20 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, कितने दांत में है सर? ये 2 दांत पड़ी है हमारी। अच्छा हाँ जी, हाँ तो सर आप बता रहे थे, और दूसरी बात ये है, एक कलर सबसे पहले, हाँ हाँ पुट्ठे की वही बात आ गई, आप फिर जूम कर चौड़ाई देख सकते हो, चौड़ाई है, पूंछ पतली है, भैंस भारी है पर पूंछ पतली है, पूंछ पतली है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो इसमें भी कोई सफेद बाल नहीं ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूंछ थोड़ी लंबी और काली पूंछ है, प्योर मुर्रा के करेक्टर होते हैं, सिंग गोल होना चाहिए, अब देखो उम्र 2 दांत है, उम्र 2 दांत है और सिंग गोलाई है। अच्छा सिंग जो है
और मुंह की लंबाई देखो आप, मुंह बहुत शानदार दोस्तों। सर जो बता रहे हैं हमें, सीधी है कैरेक्टर जो दिखा रहे हैं ओबराई जी, बहुत शानदार कि इसके जो सिंग है, जो इसकी लंबाई है और जो इसके गर्दन की सर लंबाई है, चला दे गर्दन भी काफी देख पा रहे हैं कितनी कैरेक्टर में, बहुत शानदार। अब देखो ये ऐसा नहीं बोलने पे, वीडियो में हमने बोल देना जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो बहुत बढ़िया, दो दांत, शांत स्वभाव की, बहुत शांत, जितनी भैंसे हैं ये देखो आप, हमने ऐसे पकड़ा हुआ, ये कुछ नहीं बोल रही, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लो दो दांत बड़े हैं, बाकी छोटे, बहुत शांत दोस्तों। वीडियो के माध्यम से लाइव आप देख पा रहे हैं कि दो दांत की एकदम पाड़ी है, बहुत शानदार प्योर ब्रीड में, ठीक है जी सर। ये चीजें देखनी होती है और ये चीज से ही ये जो कैरेक्टर है इससे पता चलता है। हाँ जी सर, अगर बात की जाए इसके प्रोडक्शन की तो ये फर्स्ट टाइम में कितना प्रोडक्शन कर, 16 लीटर दूध देगी बड़ी, 16 लीटर दूध देगी, बहुत बढ़िया सर। एलिवेटर में हमारे दर्शकों के लिए दाम की बात की जाए तो दाम वही उनको दीजिए पाजी, तो उसमें दाम आप, क्या बात है सर, वही है कोई प्योर सोना जिसको कहें हम, प्योर गोल्ड है, बांधे जरा, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों जो चौथे नंबर की बफेलो है, बहुत शानदार हाइट में, काफी हेल्दी पशु है, काफी एक्टिव पशु है। सर बताएं कितने दिन हुए हैं इसको बच्चा दिए को? सर जी आज इसको पांचवा दिन है और इसके नीचे भी अगर आप दूध, यकीन नहीं करेंगे देखो आंचल में अभी कोई पाना नहीं छोड़ा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि इसको कोई टाइम लगाया या कुछ है, आप जितनी बहन से देख रहे हैं किसी को पाना नहीं छोड़ा हुआ, किसी का पाना नहीं छोड़ा हुआ। अगर दूध रुकता है तो हमारे किसान भाई दर्शक भी जानते हैं वो पसंद जाएगी, बिल्कुल वो एकदम टाइट कर, टाइट हो जाएगा, ढीला नहीं रहेगा, बहुत शानदार, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी भी पूंछ देखो आप, ब्लैक है इसकी भी, ब्लैक गोल्ड है, बिल्कुल। और जो आप कलर लाल देख रहे हैं ना, हाँ हाँ। वो क्या कारण है, हमने लिए जाए किसान भाई से जी, उसके घर पे वो बांधी रहती थी, छत उसकी नीचे थी, हाँ हाँ। उसके कारण ये काली है, पहले ये ज्यादा लाल हो गई थी, हाँ हाँ। और अभी ये काली हो रही है धीरे धीरे, जब उसको एनवायरमेंट नेचुरल मिल रहा है तो, क्योंकि वहां पे इसको जो लगभग अभी 16 से 17 लीटर दूध होगा पर डे। हाँ जी इसको भी चौथा से पांचवा दिन अभी चालू है रनिंग में। साथ में मेल काफ है या फीमेल? इसके नीचे फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है। सर कितना जा सकती है प्रोडक्शन और कितना बढ़ा सकती है ये? जी प्रोडक्शन ये 20 प्लस निकलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप पांचवे दिन की बात की जाए 20 तो, प्लस। हाँ जी ये भी थर्ड लैक्टेशन में है, सेकंड में नहीं है। अच्छा हाँ थर्ड। देखो जो चीज है ऐसे लोग दूसरा बोल दे इसका आप पेट निकला नहीं हुआ तो वो बोलेंगे दूसरा लग रही, पर ये थर्ड लैक्टेशन में इसने दूसरे बेहतर में 19 लीटर दूध दिया। सर ये भी उसी दाम में? ये भी उसी दाम में, पर ये इसका 11 लीटर टाइम का दूध निकालेंगे। बहुत बढ़िया। और दोस्तों आपके ट्रस्ट के साथ जो अरविंद जी ने यहाँ से बफेलो ली है, पहले भी उनकी 5 से 6 गाड़ी जा चुकी है और उसके बाद में इन्हीं के सिलेक्शन द्वारा वो बफेलो परचेस करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको जो पांचवे नंबर। हाँ सर ये जो पांचवे नंबर की बफेलो है कौन सी ब्रीड है ये? ये इसको हमारे पंजाब में, हरियाणा में और हमारे भारत में मिनी भैंस किया जाता है। मिनी भैंस? हाँ मिनी, मिंडी, मिंडी मिंडी कहते हैं ना, मिंडी भैंस। हाँ मिनी बोलते हैं, कोई मिंडी बोलता है, ठीक है ना। और उसकी पहचान ये नहीं होती कि खाली सिंग नीचे है तो वो मिंडी है जी, प्योर मतलब उसकी पहचान क्या होती सिंग है, सिंग के कैरेक्टर से आप ये नहीं बता सकते कि ये मिंडी है। हाँ जी उसका वजह क्या होती है वो आपको मैं दिखाता हूँ, अभी थोड़ा पानी पी रही है भैंस जी। तो उसके दोनों सिंग हिलने चाहिए, अगर प्योर मिंडी है तो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। हाँ अगर वो हिल रहे हैं तो ये आपके लिए लाभदायक है धन। अच्छा अगर वो सिंह नीचे झुके हुए हैं वो नहीं बैंस लाभदायक, मतलब प्रोडक्शन में या फिर दूध प्रोडक्शन में तो रहेगी रहेगी, बाकी घर के एनवायरमेंट को भी अच्छा रखती है, शुभ रखती है, शुभ रख जिसको शुभ माना जाता है। अच्छा वो हम दिखाते हैं भैंस को, पकड़ना जरा, और एक नहीं सिंह हिलना चाहिए। अच्छा कभी भी दोनों, ये देखो जी पकड़े जरा उधर से एक रस्सी पकड़ लेना दोस्तों, दिखा नहीं भैंस है इसलिए थोड़ा करती इसकी है। जो विशेषता होती है ये आप देख रहे हो, दोनों सिंग हिल रहे हैं। एक मिनट पहले एक दिखा दिया, अब ये देखो ये देखो ये दोनों हिलते हैं। हाँ जी अच्छा ये पूरे मूव करने चाहिए, ये प्योर मिंडी है, प्योर मिंडी है। अच्छा जिसके सिंग ना हिले वो ढाली भैंस बोली जाती है, उसकी कीमत कम होती है
जो प्योर मिंडी है उसकी कीमत भैंस के पूरा भैंस और कौन से टाइम में इसने बच्चा दिया है? अभी सेकंड में दिया है। सेकंड में दिया है? हाँ जी, इसको भी आज चौथा दिन है। सर कितना प्रोडक्शन इस बार रहेगा इसका? इसके लिए जी अभी 13 लीटर दूध है। 13 लीटर दूध है, चौथे दिन है। काफी अर्डर की जो क्वालिटी है, पूंछ देखो जी सर, जितनी भैंस से आप देख रहे हो, देखो पूंछ कितनी पतली है, पुट्ठा पीछे से बच्चा देने वाली जो जगह है उनकी वो पूरी चौड़ी रहती है पुट्ठा जो। सर बात की जाए इस बार क्या दाम रहने वाला है इसका फाइनली? ये वही सेम, वो भी वही है। हाँ वही सेम। देख पा रहे हैं दोस्तों आप, बहुत शानदार प्रोडक्शन। लगभग कितने लीटर की बाल्टी है सर ये? कितने लीटर की बाल्टी होगी ये? 11 लीटर की है भाजी। 11 लीटर की बाल्टी है। 11 लीटर की बाल्टी। दोस्तों आप खुद भी देख सकते हैं कि जो है जो दूध रखते हैं भैंस रखते हैं, बाल्टी की आप साइज देख सकते हैं कितनी बड़ी है। वो बड़ी है बाल्टी, वो 15 लीटर वाली। दूसरा बाल्टी ले, बहुत पलट के ले आते हैं। ये देखो जी, ऐसा नहीं है सर जी, आप भी जाए इसको पकड़ के देखो, इसमें वेट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, और 11 लीटर की बाल्टी पूरी कंप्लीट जो है एक कर दी है दोस्तों लाइव मिल्किंग आपके सामने। आप ठंडा दूध लगा के चलो कि इसके नीचे अभी 7 लीटर उसको। अच्छा 4 लीटर झाग मान लो। अरे सर इतना झाग थोड़ी होता है। चलो मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग बोलेंगे यार झाग बहुत बन रही है, ये बन रहा है, सोचने दो उनका, हमारे को कोई। पर आप देखो उसको दूध देखो, आप देखिए दोस्तों कितनी ईमानदारी के साथ सर ने बात कही। रात को आए थे तो रात को भी आपने, कल हाँ सुबह भी आपने वीडियो देख मिल्किंग देखी, अभी आज शाम को फिर देख। इतना कोई नहीं बोलता है कि 4 लीटर झाग होता नहीं है, 2 लीटर झाग मान ले हम तो 8 लीटर दूध तो पक्का है वो। और उसके बाद में भी दूसरी बाल्टी पर यहाँ पर जो है बफेलो दूध देने के लिए एकदम रेडी है जी। छब्बी आप, मैं आपको 13 लीटर बोल रहा हूँ ना, 13 लीटर ही टाइम का दूध देगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भैंस ने अपना इतना तो हमारे जो दर्शक हैं डेयरी फार्मर है उन्हें पता है कि अडर की क्वालिटी और चौड़ाई देखकर वो भी अनुभव लगा सकते हैं। और धार धार देखो इसकी, देख पा रहे हैं दोस्तों धार जो है बिल्कुल मोटी है। हाँ जी, जैसे आप बोलो कि कोई टूटी चल रही है और उसमें नहीं नहीं वो आ रहा है, मतलब फुमारे फुमारे नहीं है। हाँ वो चीजें नहीं है, फुहारे वाला सिस्टम अलग हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो भी आप नंबर पीछे से देखो, पीछे से उसका भी देखो, अभी ऑर्डर पहले ऑर्डर देखा था आपने अभी, बिल्कुल जो पेपर की तरह है वो एकदम घड़ी हो गया है। और दूध बाल्टी भी काफी बड़ी है दोस्तों, ये 15 लीटर वाली बाल्टी है। देखो दोस्तों आपको बाल्टी दिखाते हैं कितनी बड़ी बाल्टी है, काफी शांत बच्चा भी उसके पास और काफी शांत स्वभाव की बफेलो है। सर अभी फीड में क्या दे रहे हैं इनको आप? फीड में सर जी आपको मैं दिखा देता हूँ, आप आ जाओ एक रही, आप एक मिनट मिल्किंग देख लो फिर आपको फीड। दोस्तों ये देखो जो दूसरी बार बाल्टी दी, देखो जी उसको 7 लगा लो या 3 लीटर लगा लो, वैसे 3.5 लीटर के ऊपर ही होगा, पर 3 लीटर ज्यादा होगा। 11 लीटर दूध जो है अभी रेडी है इसके पास, और अभी भी थन में दूध है उधर, उसको आगे वाले आंचल में दूध छोड़ा है बच्चे को। बिल्कुल बच्चों को पिलाने के लिए आगे वाले आंचल में दूध छोड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और आप इधर भी भैंस को देख उसके बाद दोस्तों बच्चे को छोड़ दे, बहुत बढ़िया बच्चे को छोड़ दे, ये है दूध है बच्चे के लिए भी छोड़ा हुआ है, अभी दूध जा रहा है। और काफी बड़ी बाल्टी के साथ अभी आपको ऐसा लग नहीं रहा था दोस्तों कि इतना प्रोडक्शन, लेकिन फिर आपको ऑर्डर में नहीं दिखेगा, ऑर्डर देख के कभी भैंस नहीं ली जाती, चाहे आप उसका ऑर्डर बड़ा देख रहे हो, देखो ऑर्डर अभी भी उतना ही दिख रहा है, चाहे उसमें से दूध निकल गया, ये कोई ना आरा लगा हुआ नहीं। अगर इसको भैंस को आरा लगा देना तो इसका ऑर्डर इधर, ये देखो अभी लगभग कितना मिल्क होगा सर इसमें? सर जी आप खुद ही पकड़ लो, हमने नहीं बोलना, हमने तो 18 लीटर 800 बोला है, 10 से प्लस है सर ये, चलो 10 लीटर ही मान के चलो, बहुत पर 9 लीटर 9.5 लीटर ठंडा दूध है झाग मार। दोस्तों आपको लाइव मिल्किंग करने के बाद ओवरराइड डेयरी फार्म पर हमने जो दिखाई उसके बाद आप बोलते हैं दाना। हाँ दाने दाना क्या देते हैं? व्यवस्था क्या होती है सर जी मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब जगह ज्यादातर तो लोग गीला दाना ही खिलाते हैं जी, ठीक है ना, खाते हैं फीड में। हाँ हाँ गीला दाना ही खिलाते हैं, पर मेरा मानना ये है कि हम सूखा दाने पे मैं ज्यादा जोर देता हूँ, चाहे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है चाहे ठंडी हो जी, ठीक है ना, उसमें हम मिक्स चीजें देते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये हम दाना मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये देखो आपको इसमें सब दिखेगा। अच्छा इसमें जो बिनोला खली है, आप पास में आओ, हाँ हाँ जूम कर लो जी, फिर आपको ये देखो मैं ऊपर चोकर है, ठीक है जी। अच्छा तीनों लेयर में आपने इसको डाल रखा है ताकि मिक्स बराबर हो, ये 7-8 लेयर है जी,
अच्छा, इसमें मक्का का दाना है जी, चने की चूरी है जी, चने का छिलका आपको दिख रहा होगा। हाँ, चने का छिलका है, दाल का छिलका है। आपको बाल दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप चना देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, ये बढ़िया चने हम खुद ही पिसवाते हैं सामने खड़े रह के। चना बिल्कुल बॉइल्ड चना है। मूंग की चुनी है जी, और हमारे इधर मसूर की चुनी मिलती है, तो मसूर की चुनी भी हमने डाली है। चने का चना चुरी तो हमने डाला ही डाला है जी। फिर उसके बाद ये कपास की खल है, और सरसों की खल जो हम इसमें ग्राइंड करके डालते हैं। तारा मीरा डालते हैं। अच्छा, तारा मीरा और मिलन मिक्सचर डालते हैं। सारा बैलेंस करके देते हैं, कितना कितनी मात्रा में देना सब बैलेंस करते हैं। चोकर देते हैं, सोयाबीन देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है जी। ये नमक तो हम सबके लिए रखते हैं जी, उधर भी देखो चाट के छोटे हुए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, नमक तो रखते ही है, नमक चाटती रहती है। अच्छा, तो उसमें मक्की जितना, वैसे हम दाने में भी नमक डालते हैं, तो जिसको जितनी जरूरत हो उसके अनुसार करते हैं। और आपको ये बता दें, ये कोई नया आदमी डेयरी फार्म करना चाहता है, हर आदमी के मन में ख्याल होता है कि कैसे शुरू करें, क्या करें, क्या चीज लें, गाय लें कि भैंस लें। देखो, कोई भी आदमी शुरू करना चाहता है, अगर भैंस का काम शुरू करना है तो वो कभी घाटा नहीं खा सकता। 99% घाटा नहीं खाएगा, 1% या 5% घाटा खाएगा, तो वो उसका कारण क्या होगा, उसकी ब्रीड सिलेक्शन गलत होगी जी। आप कीमत लगाने से भैंस जब भी लेते हो, ब्रीड का सिलेक्शन गलत, भैंस लेने जाते हो, देखो आज के मार्केट के हिसाब से आपको 1,00,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। 1,15 से लेके 1,50 के बीच की भैंस लो आप, ये नहीं आप 2-2 लाख की भैंस मत लो, 2.5 लाख की भैंस मत लो, 3 लाख की मत लो, पर 1,15 से 1,50 के बीच में आप दाम लगाओ, जाना पड़ेगा। हाँ जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आपके उधर जो मार्केट का रेट है दूध का भैंस के अनुसार, क्योंकि 3400 रुपये, देखो 33 से लेकर 3500 रुपये के बीच में कहीं फीड का खर्चा ज़्यादा आता है, कहीं कम आता है, तो आप 3300-3400 रुपये एक लीटर दूध तैयार होता है भैंस का जी, ठीक है ना। आपके उधर अगर भैंस का समझो दूध का रेट अगर 75 रुपये है, 75 रुपये लीटर दूध है, ठीक है जी, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो दूध हो जाता है आप लगा लो 525 रुपये का। अगर हम उसकी एवरेज लगाएं 7 लीटर की, आपके पास 100 भैंस है, 7 लीटर की एवरेज लगाएं, तो उसमें क्या हो जाता है, बैलेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपके पास 100 भैंस है, 30 भैंस आपकी गाभन है जो दूध नहीं दे रही, और 20 गायें आपकी छोड़ने वाली है, भाकड़ी हो गई है, और 30 भैंस नहीं है, तो ये और साथ में बच्चे हैं, तो वो उसका मैं एक बोर्ड बता रहा हूँ कि बच्चों को भी साथ में लेके उनको भी खिलाना है, खर्चा लगता है, तो वो जो खर्चा आपका 350 रुपये आएगा ही आएगा जी। मैं 7 लीटर की एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम, कई भाइयों के पास ब्रीड सिलेक्शन कम होता है तो उनके पास 7 लीटर की एवरेज होती है, पर अगर आप इस सिलेक्शन के हिसाब से चलेंगे तो आपको 8.5 लीटर की एवरेज आएगी और खर्चा वही रहेगा। क्या बात है। तो आपका जो पैसा बचने का जो है कैलकुलेशन मैनेजमेंट है, देखो 525 होता है 7 लीटर के हिसाब से, 350 रुपये आप खर्चा लगा लो, 175 रुपये एक भैंस पे बचे, 100 भैंस के हो गए 17,500 जी, ठीक है जी। तो अब वही सिलेक्शन अगर 1.5 लीटर दूध बढ़ जाता है, ठीक है जी, तो वो अपना कितना चले जाता है, 300 रुपये में बचत एक भैंस के ऊपर। बिल्कुल, 100 भैंस है तो 30,000 कहाँ 17,000, क्या बात, तो डबल हो जाता है सिर्फ ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर। जब आप 90,000 की, 80,000 की, 85,000 की, 1,00,000 के अंदर की भैंस लाते हैं तो आपकी एवरेज 6 से 7 के बीच में रहती है, तो आपका उतना मार्जिन नहीं बन पाता। जब आप भैंस 10 से ऊपर की लेके जाते हो तब आपको मजा आता है, फिर आप प्रॉफिट का। तो दोस्तों देखा आपने सर ने कितनी अच्छी तरीके से एक नए फार्मर के लिए सर ने टिप्स बताए, और कितना मैनेजमेंट के साथ कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया कि कितना मार्जिन, कितनी फीड और कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। तो आपने वीडियो को देखा और बहुत अच्छा, और ताजी भैंसों को क्या देना है उसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा, ताजी भैंसों के लिए क्या बनाना चाहिए उसमें हम फीड का भी बताएंगे और उनको हमने क्या देते हैं हम वो भी बताएंगे, कि जो ये भैंस 5वें दिन में इतने दूध पे आ गए, लोग ये सोचते होंगे यार नहीं देती, पर उसका कारण होता है कैसे दूध को बढ़ाया जाए, कैसे लिया जाए, मैजिक डाइट प्लान। हाँ, वो आप वीडियो में दिखाएंगे, शॉर्ट वीडियो में आप उसका इंतजार रखें। बिल्कुल सर, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी सी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।